أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد معزز السامعين بزرگان دین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی ایک آیت تلاوت فرمائی کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تحقیق کے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کی ذہانت ہوتی ہے، اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام خیالات سے میں واقف ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ باعتبار علم کے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے انسان کے بالکل قریب ہے۔ اس قریب ہونے کی ایک شکل یہ بتائی گئی کہ انسان کے دل میں روز و شب، دن رات جتنے خیالات آتے ہیں، جس قسم کے خیالات آتے ہیں، ہر خیال سے اللہ واقف۔ محترم سامعین،
ये जो वसवसा लफ्ज है ये हमारी जिंदगी में बड़ा माना रखता है, क्योंकि ये जो वसवसा है जो असल में बुरे ख्याल को कहा जाता है, इंसान के दिल में जितने बुरे ख्यालात आते हैं कि वो सोचता है या फिर ख्यालात उसके आ जाते हैं, ये बुरे ख्यालात ही असल में वसवसा कहलाते हैं। और ये वसवसा ये गैर महसूस चीज है, एक मख्फी आवाज है जो इंसान के दिल को दिल पर दस्तक देती है गैर महसूस तरीके से। अचानक इंसान के ख्यालात बदल जाते हैं, वो बुरे ख्यालात का आमाजगाह उसका जहन बन जाता है, जिसके सबब वो कई बहुत सारे अकाइद के लिहाज से हो या फिर आमाल के लिहाज से हो कई गुमराहियों में मुब्तला हो जाता है और उसका सबब ये वसवसे बनते हैं। मुहतरम सामईन, ये वसवसे आते क्यों हैं, क्या सबब है वसवसे आने का? सबसे पहली चीज है इंसान का नफ्स। ये इंसान के अंदर जो नफ्स है, ये नफ्स खुद कितने ही वसवसे हमारे हमारे अंदर डाल देता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उमा उबर्रिकु नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, कि तुम्हारे पास जो ये नफ्से अम्मारा है ये बुराई पर उभारने वाला है। आपके अंदर से खुद एक आवाज आती है, एक ख्याल आता है जो जिस पर अगर मुदावत बरती जाए, उस ख्याल को ज्यादा जहन में रखा जाए तो फिर वो इरादे की शक्ल इख्तियार करता है। जब इरादा बनता है तो फिर उस इरादे की बुनियाद पर हम कुछ ना कुछ अमल करने लग जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले इंसान का नफ्स खुद इंसान को गुमराह करने में पेशकदमी करता है। इसीलिए शरीयत में यह तालीम दी गई है, अपने नफ्स के शर से हमेशा अल्लाह की पनाह तलब करो। जैसे कि हमें दुआ सिखलाई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाऊज बिक मिन शर नफ्सी, कि अल्लाह ताला तू मुझे नफ्स के शर से बचा ले, क्योंकि यह नफ्स खुद इंसान को गुमराह करने के लिए काफी हो जाता है। दूसरी चीज है इंसान, इंसान खुद इंसान के अंदर वसवसे डाल सकता है, उसके ख्याल को बदल सकता है। आप अच्छे भले थे, कोई आके आपसे मुलाकात करके दो चार बातें करता है, आपके अंदर अलग किस्म के ख्याल पैदा हो जाते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, लेकिन आगे आने वाला कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखकर चला जाता है, चाहे जाए कि वह आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, आपका करीबी हो या फिर अजनबी हो, आपके जहन को बदल देता है। तो लिहाजा सिर्फ नफ्स की काफी नहीं है, बल्कि इंसान खुद इंसान के लिए वसवसे का सबब बन जाता है। इसी तरह उसके बाद है शैतान, शैतान भी खुद इंसान के अंदर वसवसे डालता है, बुरे ख्यालात डालता है, बुराई पर उकसाता है, बुरे काम करने की शुरुआत शैतान ये वसवसों के जरिए से इब्तिदा उसकी कर देता है। लिहाजा दोनों का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अन्नास में किया है कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि मैं शैतान के शर से वसवसे डालने वाले के शर से अल्लाह की पनाह में आता हूं। जो वसवसे डालकर पीछे चले जाता है, फिर आता है, फिर वसवसे डालता है, फिर पीछे चले जाता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसे डालता है इंसान के सीने में, इंसानों के दिलों में वसवसे डालते हैं, कौन है ये? मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नात में से भी है वसवसे डालने वाले और इंसानों में से भी है वसवसे डालने वाले। लिहाजा ये तीन चीजें हैं, इंसान का खुद नफ्स, इंसान और शैतान, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो इंसान के अंदर वसवसे पैदा करने में अपना किरदार अदा करते हैं। और ये बात याद रखिए मोहतरम सामईन, ये जो वसवसे हैं ये हर एक के अंदर आते हैं, इससे कोई बचावा नहीं है। हर इंसान, अगर वो इंसान है तो फिर वसवसे उसके दिल में आना जरूरी है, कोई भी बचावा नहीं। जैसे कि हमने आयत अभी पढ़ के बताई आपके सामने कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उसके नफ्स में जो ख्यालात आते हैं अल्लाह उससे वाकिफ है, यानी कि हर इंसान के अंदर वसवसे आते ही है, वो कैसा भी आएंगे आपके पास। मुहतरम सामईन, शैतान जो है रोज अव्वल से ही देखिए इंसान की विषय है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है, हालांकि नमौलूद है, अभी वो पैदा हुआ है,
जब वो चीख मार कर रोता है, दुनिया कहने वाली कुछ भी कहे, लेकिन शरीयत हमें ये कहती है कि जब बच्चा पैदा होने के बाद चीख मार कर रोता है, वो इसलिए कि शैतान उसे कचोका लगाता है, शैतान उसे चुभोता है, जिसके साथ बच्चा रोता है। तो लिहाजा ये जो रोजे अव्वल से ही शैतान हमारे पीछे है, वो हमें गुमराह करने के लिए हमेशा तैयार है। वो जिसकी इब्तिदा शैतान हमारे अंदर एक मख्फी चीज के जरिए से, गैर महसूस तरीके से हमारे दिलों पर दस्तक देता है, नए नए वसवसे डालता है, जिसके सबब हम अलग अब हमारे ख्यालात को बदल देते हैं और कई सारे गुनाह मुब्तला होते हैं। और धर्म समाइन अंबिया के बाद इस कायनात में सबसे अफजल अगर हस्तियां कोई है तो हमारे सहाबा है, लेकिन हमारे सहाबा भी इन ख्यालात से, इन वसवसों से बचना सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से हर एक शख्स के हवाले एक करीम शयातीन में से, जिन्नात में से एक साथी तुम्हारा बना दिया गया है। हर इंसान के साथ है शैतान, उसका साथी बनकर रहता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी है ये करीम, ये शैतान आपके साथ भी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके खिलाफ मेरी मदद फरमाई है और मुझे अब वो बुराई पर नहीं मारता। वरना हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है और हमेशा वो हमारे जहनों पर, दिमाग पर, हमारे फिक्रों ख्याल पर हमेशा वो तारी रहने की कोशिश करता है, गलबा पाने की कोशिश करता है। लिहाजा बहुत सारे गुमराह कमजोर ईमान वाले उसके वसवसों में बह जाते हैं और बहुत सारे गलत काम मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह मोहतरम सामईन, सहाबा की हालत यहां तक हो जाती इन वसवसों की वजह से कि एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे वसवसे आते हैं, उनको बयान करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं तबाह हो जाऊं, कोयला बन जाऊं, मैं राख बन जाऊं, लेकिन उन ख्यालात को मेरी जबान पर मैं ना ले लूं, ये मेरी हालत होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने शैतान के इस मकर को, शैतान की इस साजिश को सिर्फ वसवसे की हद तक रखा है। क्योंकि मोहतरम सामईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस उम्मत के लिए वसवसे माफ है, वसवसे मेरी इस उम्मत के लिए माफ है, कि जैसे भी वसवसे आए, ख्यालात आए, गर्चे के वो बुरे हो और हमारे ईमान को खतरे में डालने हो, हमारे अकीदे के ऊपर हावी होने वाले हो या फिर हमें बुराई पर उकसाने वाले हो, जैसे भी वसवसे हैं, जब तक वो वसवसा है, ख्याल है, शरीयत हमारी, हमारे लिए ये कहती है कि वो माफ है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान है मेरे भाइयों कि हमारे दिलों में जो ख्यालात बुरे आते हैं उस पर कोई मुआखला नहीं है। यहां तक कि इंसान बुरा सोचता है तब भी हमारे लिए गुनाह लिखा नहीं जाता, जब तक कि हम कर ना ले। और अगर हम गुनाह के बारे में हमारा ख्याल आया लेकिन हम गुनाह से बच गए तो भी हमारी एक निकी लिखी रहती है। ये सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है जो उसने हम पर किया है। लिहाजा वसाविस के सिलसिले में हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। मुहतरम समाई, शैतान जो है इंसान के अंदर वसवसे जो डालता है, सबसे पहले उसकी कोशिश ये होती है कि इंसान के पास से उसके अकीदे को छू ले। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में अकीदे से बढ़कर हमारी कोई चीज नहीं, और ये हकीकत भी है कि हमारे लिए हमारा जो अकीदा तौहीद है, अल्लाह की जात पर हमारा जो ईमान है, यकीन है, भरोसा है, इससे बढ़कर एक मुसलमान के लिए कोई चीज नहीं है। क्योंकि हमेशगी की जन्नत का जो वादा है ना, हमारे अकीदे तौहीद की सलामती पर मौकूफ है। अगर अकीदे तौहीद में खलल आ गया, वो बिगड़ गया और मरते दम तक आखिरी सांसों में अगर हमारा अकीदा बदल गया, अल्लाह बचाए हम तमाम को, उसी बराबर हमारी मौत हो गई, तो फिर हमेशा की हम जहन्नमी हो गए। इसलिए अकीदे की सलामती की फिक्र हमें करनी चाहिए। इसे शैतान की सबसे पहली कोशिश यह है कि मैं एक मुसलमान के अकीदे को खराब करके रखूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखिए शैतान इंसान को कैसे बहकाता है अकीदे के मामले में। सबसे पहले इंसान के पास आता है और कहता है कि फलां को किसने पैदा किया।
आसमान को किसने पैदा किया? एक मुसलमान है, हम जवाब दे लेते हैं बिल्कुल अल्लाह ने पैदा किया है। और ये अच्छी भी बात है, शरीयत कहती है कि इस जमीन और आसमान में गौर व फिक्र करो, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये जो जमीन है ये जो आसमान है इनके दरमियान जितनी चीजें हैं अल्लाह खुद फरमाता है कि इसमें गौर व फिक्र करो। और शैतान का काम यही है कि शैतान इंसान को जो है ना बहकाने के लिए सबसे पहले अच्छा रास्ता इख्तियार करता है, इब्तिदा में अच्छा रहता है वो, फिर आगे लेके जाकर वो फिर अपनी गुमराही पर इंसान को लाकर वहां पर उसे खत्म कर देता है। लिहाजा पहले वो यही कहता है कि आसमान को किसने पैदा किया, अब मेरे दिल में ईमान है मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ने पैदा किया। फिर वो कहता है कि जमीन को किसने पैदा किया, तो इंसान एक मुसलमान कहता है कि वो भी अल्लाह ने पैदा किया है। फिर फला चीज को किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। फला चीज को किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। फला चीज को किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। फिर शैतान अचानक ये ख्याल डालता है, अब तू बता अल्लाह को किसने पैदा किया, अगर यहां पर मैं रुक ना पाया, मेरा जहन चालू रहा, मेरे ख्यालात बदलते रहे कि हाँ भाई हर चीज को जब अल्लाह ने पैदा किया है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, अगर मेरा जहन यहां से आगे बढ़ना शुरू हो गया, मैं इस बारे में मेरे ख्यालात बदलने लगे, तो यहीं से इंसान की गुमराही शुरू हो, यहीं से इस्लाम दायरा इस्लाम से निकल जाता है। तो मोहतरम सामाईन, ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, जब शैतान ये सवाल तुमसे करे उसी वक्त तुम्हारे जबान पर अल्फाज आ जाने चाहिए, आमंतु बिल्लाहि व रसूल, बस हमारा ये ईमान है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं और उसके रसूल पर ईमान लाता हूं, मेरी हद खत्म हो गई, मेरी सोच खत्म हो गई, अब मैं इसके आगे ना सोचना चाहता हूं ना समझना चाहता हूं, बस अल्लाह है, उसी ने हम तमाम को पैदा किया है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना है और ना वो जना गया है, बस अल्लाह ताला हमेशा से तन्हा है, वो एक है, उसके अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, लिहाजा ये ईमान हमारा होना चाहिए। तो इस तरह मोहतरम सामाईन शैतान जो है हमारे अकीदे पर सबसे पहले हमला करता है। उसके बाद मोहतरम सामाईन जब ये देखता है कि भाई अकीदे में तो ये कामयाब हो गया, ये तो मानता ही नहीं मेरी बात, बोले नहीं अल्लाह पर मेरा ईमान मजबूत है, तो फिर शैतान क्या करता है, इबादतों के रास्ते से आता है, हमारी इबादतों में खलल डालना चाहता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसा ही मुअज्जिन अजान देता है तो शैतान अजान की आवाज सुनकर उतनी दूर भागता है जहां तक इस अजान एक मुअज्जिन की आवाज जाती है, जहां आवाज खत्म हुई रुक जाता है, फिर जो ही अजान खत्म हो गई फिर वो भाग जाता है। अब जो शख्स नमाज अदा कर रहा है बस उसके अंदर ख्यालात, ये ख्यालात वो ख्यालात, ये बातें वो बातें, जो एक शख्स अपनी दुकान में बैठकर अपने कारोबार में रहकर जो चीजें सोच नहीं सकता, अचानक नमाज में सारी चीजें याद आना शुरू हो जाती, फिर जो ही इकामत होती है फिर भागता है वो, फिर जो ही इकामत खत्म हो गई फिर आ जाता है। तो इस तरह शैतान जो है मस्जिद से अपना ताल्लुक जोड़ता है, नमाजियों की ये जो इबादत है जो कि नमाज इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक है, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा जो जिक्र है वो नमाज है, नमाज रासुल इबादत है, सारी इबादतों की सरदार ये नमाज है, और शैतान यही चाहता है कि यहीं पर इसको मैं खत्म कर दूं, इसकी इबादत की लज्जत को खत्म कर दूं, ये इबादत में अच्छा हो गया तो इसके खतरनाक असरात इसके असरात इसकी जिंदगी पर पड़ सकते हैं, फिर ये मेरे चुंबल में आ नहीं सकता, लिहाजा इसकी इबादत को मैं खराब करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मोहतरम सामईन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये जो वसवसे हैं इंसान के दिल में आते हैं और आना भी जरूरी है। यहां तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ कौल मंसूब है कि अस्सलातु अल्लती लैसत फीहा अलवसफसा सलातु यहूदी वन नसारा, कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा हो और उसके दिल में वसवसा ना आए तो ये शख्स की नमाज यहूद और नसारा की नमाज है, एक बहुत बड़ी बात है। कैसे, कि देखिए एक चोर चोरी उस घर में करता है कि जहां उसे ये उम्मीद है कि वहां पर माल है, पहले ये मालूम करता है कि घर में है क्या, मैं जिस जगह पर जा रहा हूं वहां पर कितना मुझे माल मिलेगा, उसके बाद चोरी करता है। शैतान का मसला भी यही है, शैतान जिस दिल पर हमला करना चाहता है पहले ये देखता है कि इसके दिल में ईमान कितना है, ये किस मुकाम व मर्तबे पर पहुंचा हुआ है। इसलिए जिसका दिल में ईमान कमजोर होता है वो शैतानी ख्यालात पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो जाता है,
वो मन की बातों में बहुत जल्द आ जाता है, हर किसी की बात जल्दी मान लेता है ईमान की कमजोरी के सबब। तो जिसके दिल में जितना ज्यादा ईमान होगा शैतान उसके पीछे उतना ही आएगा। लिहाजा नमाज में वसवसे आएंगे और आना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन मोहतरम सामाईन उन वसवसों पर अपने आप को हावी कर लेना, अपनी इबादतों को खराब कर लेना, इससे एक मुसलमान को बचना चाहिए। जो तरीके सिखलाए गए हैं उन तरीकों पर अमल पैरा होने की जरूरत है। लिहाजा वसवसे आते हैं और वसवसे आना एक मोमिन के दिल में ईमान होने की दलील है। लिहाजा जिस दिल में ईमान है वहीं पर वसवसे हैं, लिहाजा उन वसवसों से के मामले में शैतान से जंग करना, उस पर गालिब आना, यही तो ईमान है। जिंदगी आजमाइश का नाम है, ये कोई खेल कूद का नाम नहीं है, ये आसानी के साथ जीने का नाम नहीं है, खैर और शर के खैर और शर की जंग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर को शर को शैतान को एक तरफ, नेकी को एक तरफ, गुनाह को एक तरफ, अच्छाई को एक तरफ, बुराई को, खैर और शर को मिलाकर इंसान की आजमाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। क्या इन मामलात में इस शर पर क्या इंसान का खैर गालिब आता है या फिर खैर पर शर गालिब आता है और इंसान अपने आप को तबाह कर लेता है। तो मोहतरम सामईन ये हमारी दिल में एक जंग है वसवसे की, लिहाजा इसमें अपने आप अपने ईमान को गालिब रखना ये एक मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी तरह मोहतरम सामईन जब इबादत में भी अगरचे नाकाम हो गया शैतान तो बहुत सारे दूसरे रास्ते ढूंढता है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक लंबी हदीस है कि जब एक शख्स इस्लाम कबूल करना चाहता है तो शैतान क्या है उसके पास आता है और कहता है कि क्या भाई तू अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर जा रहा है, अरे तेरा इतना पीछे इतना बड़ा ख़ानदान है, तेरे वालिदैन गैर मुस्लिम हैं जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है, उतने बड़े कुंबे को तेरे पूरे मानने वालों को आबा अजदाद को छोड़कर क्या तू इस्लाम इख्तियार करना चाहता है, अल्लाह पर ईमान लाना चाहता है। लिहाजा अगर ऐसे वक्त में वो शख्स जो इस्लाम लाने वाला है अपने नफ्स पर अपने आप को गालिब करता है और हिदायत की तरफ लौट कर आता है तो इसमें उसके लिए खैर। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स हिजरत करता है एक जगह से दूसरी जगह किस लिए, अपनी ईमान की हिफाजत के लिए, तो शैतान उसके पास आता है और बोलता है कि भाई तू कहाँ जा रहा है, अरे किस जगह से तू निकल रहा है, यहां तू पैदा हुआ, यहां पर तेरा घर बार है, तेरी तिजारत है, तेरे रिश्तेदार है, तेरे अकारिब है, तू यहां पर कारोबार करने वाला है, तू यहां पर पैदा हुआ, यहां पर तुझे जान पहचान के लोग हैं, यहां छोड़कर कहां जा रहा है, छोड़ गोली मार, अपने ईमान की हिफाजत बाद में देखेंगे, पहले अपना तो एहसास कर, अपना तो ख्याल कर, अपने आजू बाजू वालों का तो ख्याल कर, अपनी अपनी जो साख है मोहल्ले में मुआशरे में उसका ख्याल करके यहीं पर रह जा, तेरी इबादतों में फर्क आने से क्या होता है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर शैतान के इस वसवसे पर अगर एक मुसलमान का ईमान गालिब आ जाता है तो उसके लिए खैर है, उसके लिए भलाई है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इन मामलात में एक इंसान एक मुसलमान अपने आप को शैतान को हावी अपने आप पर होने नहीं देता तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला का ये हक है कि ऐसे बंदों पर अपनी जन्नत को वाजिब करते हैं। लेकिन मोहतरम सामईन अपने नफ्स पर गालिब आना ये बहुत बड़ी आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, ये आसान बात नहीं है। एक इंसान से लड़ना एक एक, एक, एक एक दुश्मन इस्लाम से लड़ना ये आसान है, लेकिन इंसान के अंदर जो नफ्स है जो इसका दुश्मन है इससे लड़ाई करना और इस पर अपने आप को गालिब रखना ये बड़ी कमाल की बात है जिस पर जन्नत की बशारत भी सुनाई जाती है। इसी तरह मोहतरम सामईन जब वसवसे आते हैं तो फिर उनसे बचने के लिए तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि वसवसे आएंगे ज़रूर, लेकिन उनसे बचाव कैसे करें, क्योंकि मोहतरम सामईन वसवसों का ज्यादा हो जाना भी ये एक बीमारी है जिसे हम नफ्सियाती बीमारी कहते हैं, और आजकल इस नफ्सियाती बीमारी में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, हमेशा शक में, अजीब अजीब ख्यालात में, हर मामले को अलग नाहिये से सोचना, कहने वाला एक बात कह गया है हम उसको सौ नजरियों से देखते हैं कि कहने वाला क्या कह रहा है, किस लिए बात उसने कही है, किस लिए मुलाकात की है, नई नई चीजें बैठे जगह हम खुद ईजाद करते हैं नई नई चीजों को, अजीब ख्यालात। तो मोहतरम सामईन एक बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला है, जिसकी वजह से बहुत सारे अस्पताल इस सिलसिले में वजूद में आ गए नफ्सियाती इलाज करने के लिए, बहुत सारे डॉक्टरों का वजूद हुआ, हालांकि पहले ये कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन आज एक मुस्तकिल बीमारी
की शक्ल ये चीज इख्तियार कर गई है, वसवसों की ज्यादती, वसवसों की कसरत, जिसके सब इंसान अपने आप से बाहर हो जाता है, अपने ख्यालात की दुनिया में घूमता रहता है, जिसके सब अपनी जिंदगी की असल हकीकत से वो दूर होता चला जाता है। मोहतरम सामईन, शरीयत हमें यह कहती है कि जब तुम्हारे दिल में ख्यालात आए, जिस किस्म के ख्यालात हो, अच्छे तो नहीं बुरे ख्यालात, खुसूसन जो शैतान की तरफ से होते हैं, इस सिलसिले में शरीयत की तारीफ यह है कि जब तुम्हारे जहनों में ख्यालात आए तो उसको ज़बान पर नहीं लाना चाहिए। यह गलती नहीं करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई बुरा ख्याल आ गया, हम अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, घर में बोल रहे हैं अजीब ख्यालात आ रहे हैं, ऐसा ख्याल आया, वैसा ख्याल आया, मैं किसी को कत्ल कर रहा हूं, मैं किसी से मिलने जा रहा हूं, मैं ये कर दे रहा हूं, मैं फलां कर दे रहा हूं, जिक्र नहीं होना चाहिए, जबान पर नहीं लाना चाहिए वसवसों। और दूसरी चीज, जब वसवसा आए उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, तो फिर शरीयत की तरफ से ये वसवसा माफ है। कितना ही बुरा वसवसा क्यों ना आए, अगर हम उसको अपनी जबान पर नहीं लाएंगे और इसी तरह अपने अमल में उसको नहीं लाएंगे तो शरीयत इस पर मुआखजा नहीं करती। लिहाजा सबसे पहला काम यह है कि खामोशी अख्तियार की जाए, इन वसवसों से अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। इसी तरह मुहतरम सामईन, दूसरी अहम चीज यह है कि वसवसे जब आते हैं तो इनको नजरअंदाज करने की कोशिश करना चाहिए। हम क्या करते हैं, वसवसा आते हैं, वसवसे आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको एक मुस्तकिल अपने दिल में जगा देते हैं, उसके बारे में बराबर सोचते रहते हैं कि ये आया क्यों है, क्यों क्यों बार बार ख्याल आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों हम अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, बस उसे एक ख्याल समझ के छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, ऐसे ख्याल हजारों हमेशा आते रहते हैं मेरे को, इसमें क्या बड़ी बात है। तो लिहाजा वसवसे से निकल, इन वसवसों की बीमारी से निकलने के लिए एक अहम रास्ता है नजरअंदाज, छोड़ देना, भूल जाना चाहिए उसे। जिस तरह बहुत सारे ख्याल को हम भुला देते हैं तो किसी मखसूस ख्याल को लेके उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। इसी तरह मुहतरम सामईन, अहम चीज ये है कि खुसूसन वसवसों के सिलसिले में अल्लाह से पनाह तलब करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वकुर रब्बी अऊजु बिका मिन हमजाति शयातीन व अऊजु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ऐ नबी, आप कह दीजिए, अल्लाह के रसूल से अल्लाह कह रहा है, आप कह दीजिए, रब्बी अऊजु बिका मिन हमजाति शयातीन, कि मैं शैतानी वसवसों से, शैतानी ख्यालात से, शैतानी साजिशों से, शैतानी मकरो फरेब से, ऐ अल्लाह ताला तेरी पनाह में आता हूं। वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ऐ अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह में आता हूं इस बात से कि वो शैतान मेरे पास आए, मैं तेरी पनाह में आता हूं। मुहतरम समीन, गौर तलब बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो करीन है, जो साथी है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर की तरफ नहीं बुलाता, शर पर नहीं उभारता वो। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल से अल्लाह ये कह रहा है कि आप भी इन वसवसों से अल्लाह की पनाह तलब कीजिए। तो मोहतरम सामईन, हमें सोचना यह है कि जबकि हमारे साथ शैतान लगा हुआ है, हमारे साथ करीन है और हमें बराबर वो बुराई पर उकसाता है, तो हमें इस अल्लाह की पनाह में आने की कितनी कोशिश नहीं करना चाहिए। وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب کہیں شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالیں، برے خیالات تمہارے ذہنوں میں آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اسی وقت تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ بہترین علاج ہے وسوسوں سے نکلنے کے لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں۔ تو لہذا محترم سامعین، اور اسی طرح صبح شام کے اذکار یہ لازمی ہے ہمارے لیے، इसको नजरअंदाज करने की वजह से मोहतरम सामाईन हम दिन और रात में कई मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, कई वसवास का शिकार हो जाते हैं, कई बुरे ख्यालात हमारे जहनों में बैठ जाते हैं और हम बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। उसका अहम सबब यह है कि हमने सुबह शाम अल्लाह ताला को बुला लिया है। हालांकि तालीमात हैं, ऐसी ऐसी दुआएं छोटी है लेकिन बड़ी फजीलतों वाली है, लिहाजा ऐसी दुआओं को नजरअंदाज करने के सब शैतान हम पर गालिब आ रहा है। और हदीस में यहां तक आता है मोहतरम सामईन, जो शैतान है वो इंसान के दिल के पास ही बैठा हुआ है। जो ही एक इंसान अल्लाह की याद से गाफिल होता है, शैतान उस पर हावी हो जाता है, और जो ही वो अल्लाह को याद करता है, शैतान वहां से भाग जाता है। लिहाजा अल्लाह को याद करना, अल्लाह के जिक्र में रहना, खुसूसन सुबह शाम के अस्कार हैं। इसी तरह मोहतरम सामईन, देखिए सिर्फ सुबह शाम के अस्कार नहीं, हर मामले में शरीयत ने हमें अस्कार सिखाए। खाना है दुआ है, खाने के बाद दुआ है, सोना है दुआ, सोकर उठ रहे हैं दुआ है, बैतुल खला जाना है दुआ, बैतुल खला से निकल के आना है दुआ, घर से बाहर जा रहे हैं दुआ, घर से आ रहे हैं दुआ, गाड़ी पर सवार हो रहे हैं दुआ, घर को लौट रहे हैं दुआ,
जिंदगी का ऐसा कौन सा मसला नहीं है जहां पर दुआएं नहीं सिखलाई गई है? किस लिए? वो इसलिए कि शैतान तुम्हारे पीछे हमेशा है, वो हमेशा तुम्हें बहकाना ही चाहता है, हर एक के साथ है, वो हमेशा लगा हुआ है, आपसे गाफिल नहीं होता, वो आप पर हावी है। लिहाजा बचने का रास्ता ये है कि अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद किया जाए। जब तक मुहतरम समाइन ये चीज हमारे दिलों में नहीं आएगी, ना हमारे दिलों को सुकून मिलेगा, ना हमारा दिमाग सही तरीके से काम करेगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जिक्र अस्कार का खुसूसी हम पाबंदी करें। इसी तरह मुहतरम समाइन, कभी कभार ये होता है हमारे इरादे की कमजोरी, हमारे यकीन की कमी जो है शैतान के लिए एक ताकत फराहम करती है हमें बहकाने के लिए। ये बात याद रखिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बताया कि जो शैतान है ना, इंसान को अकीदे के मामले में किस तरह गुमराह करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया है, ये बहुत बड़ी खतरनाक ये एक सवाल है जो हमारे अकीदे को छीन ले जाता है। उस सिलसिले में शरीयत ने क्या तालीम दी? डायरेक्ट यही कहा कि अपने ईमान को ताज़ा करो, अपने ईमान की तरफ लौट कर आओ। कुछ बड़ा बड़ी बात नहीं कही गई, ये अल्फाज अपनी ज़बान पर लाओ, आमंतु बिल्लाहि व रसूली। एक वसवसे का ताल्लुक ईमान से क्या है? यही तो ईमान है कि यही जो कामिल ईमान है, यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, यकीन कामिल ले आना, रसूल की तालीमात को अपने जिंदगी पर हावी करना, यही वो चीज है जो हमें वसवसों से बचाए रखते हैं। लिहाजा याद रखिए, दीन से दूरी, अल्लाह से दूरी, किताब व सुन्नत से दूरी शैतान से कुर्बत का एक बहुत बड़ा जरिया है। और मोहतरम सामईन, इसके बाद यही मरहला आता है कि इंसान जो है इन वसवसों में पढ़ पढ़ के इतना गुमराही में चला जाता है कि वो एक गुनाह करके भी ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, कि जो अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, नुक़य्यिद लहू शैताना, हम ऐसे शख्स पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, शैतान को हावी कर देते हैं, फहुवा लहू क़रीन, और वो उसका साथी बन जाता है, उसी के साथ हो जाता है, वइन्नहुम लयसुद्दूनहु अनिस सबील, और वो उसे राह हक से रोकता है, सीधे रास्ते से दूर करता है, वयहसबून अन्नहु मुहतदून, और वो ये शख्स समझ बैठ है कि मैं हिदायत याफ्ता। तो मुहतरम समाई, इससे बड़ी गुमराही हमारे लिए क्या हो सकती है? हम करें तो गुनाह का काम, लेकिन हम यह समझ बैठे कि मैं जो कर रहा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं हिदायत पे हूं, मैं जो कर रहा हूं इसमें कोई गलती नहीं है, इससे बड़ी गुमराही हमारे लिए क्या हो सकती है? तो मुहतरम समाई, एक जो शैतान है, खुसूसन ये जो रास्ता, बड़ा खतरनाक है, गैर महसूस है, एक मख्फी आवाज है जो हमारे दिलों से हमारे ईमान को ख़त्म करने के लिए एक जोरदार तरीके से हम पर हावी हो रही है। लिहाजा इन वसवसों से अपने ईमान की पुख्तगी, अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान के जरिए से हम इस बूदे शैतानी मकरो फरेब से बाहर आ सकते हैं। इसी तरह मोहतरम सामईन, सदका व खैरात भी इस मामले में बड़ा अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा से फरमाते हैं कि ऐ ताजिरो, ऐ तिजारत करने वालों, जब तुम तिजारत करते हो, कारोबार करते हो, तो दो चीज़ें तुम्हारे साथ होती है, एक शैतान होता है, दूसरा गुनाह होता है। इसलिए देखिए, कारोबार करने वाला जब कारोबार करता है तो उसकी दिमाग में ख्यालात की भरमार, अच्छा है तो ठीक है, वरना शैतान इंसान के जहनों में ऐसे ख्यालात डालता है कि वो ख्यालात ऐसे होते हैं जो उसे गुनाह पर उभारते हैं, कि उसका माल तो कम जाता है लेकिन वो ज्यादा मुनाफा पाने की कोशिश करता है। देखिए, आज कारोबार करने वालों की जबानों पर कितना झूठ है, झूठ, और बड़ी बात यह है कि वो झूठ को अच्छा समझते हैं, कोई गलत नहीं समझते, वो यही कहते हैं कि भाई कारोबार तो झूठ से ही चलता है, झूठ तो ये ऐन होशियारी है। देखिए, आज झूठ होशियारी बन गया, धोखा देना तो होशियारी की अलामत बन गई। आज सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला मार्केट में कौन है? धोखेबाज और झूठा। जितना झूठ बोलेंगे, जितना धोखा देंगे, मार्केट में उतना बड़ा नाम आपका हो जाएगा। तो मोहतरम सामईन, यही तो चीज है जो शैतान चाहता है हमसे, इस तरह ख्यालात वो डालता है, इस तरह गुनाहों में मुब्तला करता है कि आप यही समझ रहे होते हैं कि मैं हक पर हूं। तो मोहतरम सामईन, वसवसों के सिलसिले में इन तमाम चीजों को खुसूसन अपने ध्यान में रखना चाहिए। और मोहतरम सामईन, ये बात याद रखिए कि शैतानी जो वसाविस होते हैं, ये हमारे रिश्तों में दरार डालने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो बदगुमानी हम कहते हैं, बुरा गुमान किसी के लिए रखना कहते हैं, ये क्या है? ये वसवसा ही है। ये जो बुरा गुमान हमारे जहनों में किसी के लिए आता है, ये वसवसा ही है, बुरा वसवसा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, इय्याकुम वज़्ज़न
فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ کہ تم برے گمان سے بچو, بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو, کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں ہے, لیکن ہمارے ذہن و خیال پر یہی طاری ہے کہ فلاں نے مجھے فلاں دھوکا دیا ہے, فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, کسی نے کوئی خیر کی بات کہہ کر تو وہ چلا گیا ہے, لیکن اس ایک بات پر ہم 100 باتیں سوچتے ہیں. کرنے والا ایک غلطی کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے ہماری 1000 غلط فہمیاں ہوتی ہیں. کہنے والا کسی مقصد سے کچھ اور کہہ کر جاتا ہے, خیر خواہی میں کچھ مشورہ دے کر چلے جاتا ہے, لیکن ہمارے وسوسے ہمیں جینے نہیں دیتے. یہ خیالات ڈالتے ہیں کہ کہنے والا تو اس مطلب سے کہا ہوگا, مجھے چھوٹا سمجھ کر اس نے کہا ہے, میری حیثیت اس نے گرائی ہے, مجھے یہ مقام نہیں دیا ہے, فلاں اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو محترم سمائی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے رشتوں کو خطا کرنے میں, جو ہمارے رشتوں کو میں دڑار ڈالنے میں بڑا کردار کرتی ہے, جس میں یہ سوء ظن ہے, بدگمانی ہے, جو وسوسے کی ایک بڑی خطرناک شکل ہے. جہاں پر ہمارے پاس غلطیاں تو نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہمارے رشتوں کو بدل دیتی ہے اور ہماری دوستیاں دشمنیوں میں, محبت نفرتوں میں بدلنے لگتی ہے. تو محترم سامعین, اس میں ایک اہم کردار ان وسوسوں کا ہوتا ہے, لہذا اس سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. اسی طرح محترم سامعین, وسوسے کی ایک شکل یہ ہے کہ خصوصاً شیطان انسان کو صفائی کے معاملے میں وسوسوں کا شکار کر دیتا ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں ہوں گے وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, اپنے ایک ہاتھ کو 10 سے 7-8-9 مرتبہ دھو لیتے ہیں, ایک مرتبہ دھویا, 2 مرتبہ دھویا, 3 مرتبہ, اسے خود یاد نہیں ہے, پھر دھو رہا ہے, ایسا وضو کرتا ہے کہ گھنٹہ لگ رہا ہے اس کے پیچھے, نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, وضو کر رہا ہے, نماز ہی ختم ہو گئی. تو محترم سامعین, یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. شیطان انسان کے ذہن کو اس طرح بنا دیتا ہے, شک میں مبتلا کر دیتا ہے, یقین سے اس کو باہر نکال دیتا ہے کہ تو نے فلاں جو کام کیا ہے یہ ادھورا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے, تو نے نماز مکمل نہیں کی ہے, تیرا وضو ہی صحیح نہیں ہوا ہے, تو نے چہرہ صحیح نہیں دھوا, اب کیا نماز پڑھے گا, وضو ہم کر رہے ہیں نہیں, فلاں جگہ سوکھا ہوگا, ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, تو کیا قرآن پڑھ رہا ہے, تجھے معلوم ہے کتنی غلطیاں کرتا ہے تو, فلاں ہے تو غلط پڑھ رہا ہے, فلاں چیز تو غلط کر رہا ہے. وضو کر کے آتا ہے انسان, لیکن یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں بے وضو, لہٰذا میں قرآن پڑھ کر کے مرک دیتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں 1 مرتبہ 2 مرتبہ وضو کرتا ہوں, میرے خیالات برابر آ رہے ہیں, وضو ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے, چلو چلو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا, کیونکہ مجھے وضو میں ہی مطمئن نہیں ہوں, پھر نماز کہاں سے اطمینان سے پڑھوں گا. تو محترم سامعین, خصوصاً شیطان صفائی کے معاملے میں, انسان پانی نہاتا ہے, کپڑے دھوتا ہے, خیال یہی ہے کہ نہیں کپڑے گندے ہیں, گھر میں جا رہا ہے, بیوی کچھ بنا کر دے رہی ہے, پوچھتا ہے کہ پانی کون سا ملا ہے تم, پانی پاک تھا یہ, مجھے ناپاک لگ رہا ہے, فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے. اس طرح جو شیطان جو ہے ہمارے ذہنوں پر طاری ہوتا ہے ان وسوسوں کے ذریعے سے, اور ہمیں بھی پریشان کرتا ہے, اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی پریشان کرتا ہے. تو محترم سامعین, یہ مختلف شکلیں وسوسوں کی ہے. اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا کریں, اللہ کی پناہ طلب کریں, اور اللہ کی ذات پر ایمان و یقین میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس وسوسوں کی کائنات سے باہر نکل سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو وسوسوں کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم تمام کو برے وسوسوں کو وسوسوں کی حد تک رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں اسے اپنی زبان پر لانے یا پھر عملی طور پر اس کا اظہار کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس پر فتن دور میں صراط مستقیم پر چلائے, عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالی تادم حیات ہمیں دین مستقیم پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی خاتمہ بالخیر فرمائے. امین ثم امین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحکیم انه تعالى جواب كريم ملك غفور رحيم ورب حليم.